आपने एसटीआई रैंकिंग के बारे में जरूर सुना होगा, यानी मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट। इसकी रैंकिंग से पता चलता है कि कोई राज्य विकास के विभिन्न पैमानों पर किस स्थान पर है। आइए बिहार के विकास पर नजर डालते हैं। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि एसटीआई स्कोर के मामले में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है, बल्कि यह सुनकर चिंता होगी कि बिहार एसटीआई स्कोर के मामले में कई अफ्रीकी देशों से पीछे है। बिहार का एसटीआई स्कोर 0.5 है, जो कि देश में सबसे बुरा है। इराक, घाना, इस्वातिनी और अंगोला जैसे देशों का एसटीआई भी बिहार से बेहतर है। कांगो और बिहार का एसटीआई स्कोर कमोबेश बराबर है और यह भयानक है। एसटीआई एक इंसान का औसत जीवन, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय माने उस क्षेत्र के लोगों की औसत आय का एक समग्र सूचकांक है। वह क्षेत्र एसटीआई में हाई स्कोर करता है जहां के लोगों का जीवन काल अधिक होता है, शिक्षा का स्तर बेहतर होता है और लोगों की औसत आमदनी अधिक होती है, और बिहार इन सभी पैमानों पर सबसे नीचे है। लेकिन इंजीनियर नीतीश बाबू जब बिहार के विकास की महागाथा सुनाते हैं तो मानव विकास सूचकांक के इस डेटा को कोसी के पानी में बहा आते हैं। 2005 में जब बिहार की जनता ने नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश दिया था, तब भी बिहार एसटीआई में सबसे नीचे रैंक कर रहा था, और आज 18 साल के शासन के बाद भी बिहार की स्थिति जस की तस है। वहीं स्वघोषित विश्वगुरु नरेंद्र मोदी वाली केंद्र सरकार भी बिहार पर तवज्जो नहीं देती। अब सवाल यह है कि आप एक ऐसे उदासीन सिद्धांतहीन सीएम को वोट क्यों देंगे? बिहार के लोग कभी महागठबंधन तो कभी डबल डेकर ड्रामा कब तक झेलते रहेंगे?